रोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में कथा के पंचम दिवस पर परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने राम कथा में कहा कि भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, भजन कीर्तन समूह में किया जाता है, करने को तो व्यक्ति अकेले भी करता है, परंतु जो आनंद समूह में आता है उसका आनंद ही अलग है। हनुमान जी जब लंका गए तब लंका में हनुमान जी ने राम कथा कही जिसको विभीषण ने सुनी है। हनुमान जी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम विदेश में राम कथा कही। जो भी सामाजिक व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं उनको सदैव राम भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जरूरत हुई तो राम भजन करने लगे, जैसा कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति चुनाव आते ही मंदिर मस्जिद जाते हैं। भगवान केवल बनाने वाले ही नहीं, बनने वाले भी वही हैं। ये सृष्टि पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से बना है। परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, अनेक बनूंगा। जिस प्रकार परमात्मा ने संकल्प किया उसी प्रकार हमको संकल्प अच्छे करने चाहिए, सकारात्मक संकल्प होना चाहिए। मंत्र का मतलब सलाह भी है, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। परंतु सलाह जब देनी चाहिए जब तक सलाह मांगी ना जाए। प्रभु राम तो वह हैं जो पापियों को भी मोक्ष यानी मुक्ति देते हैं। जिस प्रकार रावण के अंत होने पर रावण की पत्नी मंदोदरी ने प्रभु राम को प्रणाम करते हुए कहा कि आपने तो मेरे पति को पापों से मुक्त कर अपनी शरण में लिया। जब स्त्री पुरुष के भ्रूण से जो गर्भ होता है, आज तो हम सोनोग्राफी से सब जान लेते हैं कि बच्चे का विकास कैसा है, कोई गड़बड़ तो नहीं। परंतु भागवत को आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि एक सप्ताह का कलल यानी बच्चा कैसा होता है, एक माह का कैसा होता है और दो माह का कैसा होता है। इसलिए भागवत सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए जिसने भागवत को जान लिया उसने सब जान लिया। सभी ग्रंथ अपने आप में पूर्ण हैं, रामायण भागवत और गीता हो। हम सभी को रोज घर पर रामायण पढ़ना चाहिए, मूल भागवत को पढ़ना चाहिए। जितना हो सके उतना पढ़ो, चाहे दिन में एक श्लोक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। आरती में विनित कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार कोषा अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। मानवेंद्र सिंह जिलाधिकारी सुमन धीर जी, एकल अभियान अध्यक्ष केंद्रीय कार्यकारिणी समिति श्री राजेश गोयल जी प्रभारी, एकल अभियान अनिल बिंदल, राकेश बिंदल, विशेष गुप्ता, पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष, मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, जयदेव यादव, विनोद राय, परीश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनित गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, ज्योति बंसल, हरि गोपाल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। करते हुए अवतरित होते हैं, उस घटना को अवतार कहा जाता है। अवतार की अवधारणा हम सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों में, हम बीच में भी चर्चा कर चुके हैं कि विश्व के अनेक धर्म हैं, यदि सब उनको धर्म कह सकते हैं तो क्योंकि सभी धर्मों की व्याख्या में फिट नहीं बैठे। पंथ है, उपासना पद्धति है, मजहब है, लेकिन धर्म शब्द का अर्थ बड़ा विशाल है। लेकिन जितने भी धर्म है, यदि तुम धर्म कहो तो उनमें भी हम लोगों ने चर्चा करी कि दो प्रकार के धर्म हैं। एक वो जो ईश्वर का स्वीकार करते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते, लेकिन है वो धर्म। बुद्धिज्म में ईश्वर का स्वीकार नहीं है, जैनिज्म में ईश्वर का स्वीकार नहीं करता, आत्मा का स्वीकार करता है। बुद्धिज्म तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन है तो धर्म। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ईश्वर को चाहे मानो न मानो, लेकिन धर्म को मानना पड़ेगा, धर्म को मानना ही चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है तो पशुवत जीवन हो जाएगा, धर्मेण हीना पशुभिः समानः।
और ईश्वर का स्वीकार करके ईश्वर को मानने वाले जो धर्म है, ईश्वर का स्वीकार करके चलने वाले जो धर्म है, उनमें भी दो प्रकार। एक का ईश्वर निर्गुण निराकारी है, वो मैसेंजर को भेज देगा, कोई सन ऑफ गॉड हो जाएगा और मार्गदर्शन करेगा, कोई पैगंबर होकर बनकर उसका पैगाम लाएगा। लेकिन उनका वो परमात्मा स्वयं नहीं आता, वो निर्गुण निराकार है। हमारे सनातन धर्म में हम निर्गुण निराकार को भी मानते हैं, लेकिन वही निर्गुण निराकार भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर सगुण साकार बनकर अवतरित होता है, ये भी अवधारणा है हमारी। तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जिसने ये सब प्रकट किया, ये सब बनाया, क्या वो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सकता, समर्थ नहीं है, तब तो उसको असमर्थ कहेंगे। तो हमारे यहां कहा जाता है कि परब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। शिव जी के विषय में प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, शिव को समर्थ करो, समर्थ कहो नहीं दोष को समर्थ, सर्व समर्थ शिव यानी परमात्मा भगवान, शिव भगवान या उनका से। तो जो सर्व समर्थ है वो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ नहीं है क्या? भागवत में तो गोपी गीत में गोपियां कहती ही हैं कृष्ण को, रोते रोते पुकार करती है कि दिख जाओ, दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते।